जंग में मारूफ रूहानी शख्सियत पीर करम हुसैन की दो रोज़ा सालाना उर्स की तकरीबा दरबार मंगानी शरीफ पर इख्तिताम पज़ीर हो गई, जिसमें मुरीदैन और ज़ायरीन ने कसी तादाद में शिरकत की। मज़ीद जानेंगे मोहम्मद रियाज शाहिद की इस रिपोर्ट में। जंग में हजरत अली अल-मुर्तज़ा करमुल्ला वजह की मुनासबत से मारूफ रूहानी शख्सियत पीर करम हुसैन कादरी के सालाना दो रोज़ा उर्स की तकरीबा का इनेकाद दरबार पीर मंगवानी शरीफ में किया गया, जिसमें बैरून मुल्क और पाकिस्तान भर से हज़ारों अकीदतमंदों और मुरीदैन ने शिरकत की। दो रोज़ा तकरीबात में दीन इस्लाम की तरवीज और औलिया कराम के पैगाम पर रोशनी डाली गई। इस मौके पर सज्जादा नशीन पीर मज़हर हुसैन हनफी अल-कादरी, पीर ताहिर हुसैन, पीर अख्तर हुसैन और पीर ज़ादा इंजीनियर शम्सुल आरफीन ने सूफिया कराम की तालीमात पर रोशनी डाली। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जो मोमिन की तारीफ बयान की है, फरमाया उसके हाथ और पाँव से किसी को तकलीफ नहीं पहुँचती। फरमाया पहले इंसान बनो, फिर मुसलमान बनो। मुसलमानी क्या है? हुदूदुल्लाह के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजारने, अल्लाह की मुकर्रर की हुई हदें यानी अच्छे काम करने हैं, बुरे कामों से अपने आप को बचाना है। और ये जो दरवेशी है, ये जो तरीक़त है, ये जो सलूक है, ये तो है कि खुदा के रास्ते में अपने आप को वक्फ कर दें। और ये चीज़ तो बेस है, और यही तसव्वुफ़ की हकीकत भी है। कुरान फरमाता है कुल इन सलाती व नुसुकी व महया व ममाती लिल्लाह रब्बिल आलमीन, यही तसव्वुफ़ है। हमारा जो तसव्वुफ़ है, ये कुरान का फैज़ है। साहबजादा पीर ज़ैनुल आबदीन ने बताया कि दरबार से वाबस्ता फलाही इदारे के ज़रिए मुफ्त तालीम, लंगर और मुफ्त इलाज की सहूलियात भी दी जा रही हैं। इसमें ख़ास तौर पर खिदमत खल के हवाले से और दरबार मंगानी शरीफ की जो खिदमत खल के हवाले से खिदमात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अगर मैं उनमें से चंद अगर गिनूँ तो यहाँ पर दरबार मंगानी शरीफ की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तरफ से 42 मस्जिदें बनवाई जा चुकी हैं। यहाँ सुबह दोपहर शाम तीन टाइम लंगर का इंतज़ाम होता है और हज़ारों लोग रोज़ाना फ्री में लंगर खाते हैं। इसी तरह दरबार मंगानी शरीफ पे एक स्कूल है, रियाजुल करम स्कूल, जहाँ 150 से ज़्यादा बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं और 150 से ज़्यादा बच्चा हिफ्ज़े कुरान के सेक्शन में है। और ये सब तमाम खिदमात फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ इंसानियत की खिदमत के लिए। और हमारा यही पैगाम है कि इंसानियत की खिदमत को जारी और सारी रखा जाए। तकरीब के आखिरी रोज़ महफिल समा का भी एहतमाम किया गया और दीन इस्लाम की सरबुलंदी और पाकिस्तान की सलामती के लिए खसूसी इज्तमाई दुआ भी करवाई गई। कैमरामैन राना मुख्तार के साथ मोहम्मद रियाज शाहिद, रिपब्लिक।